हेलो। हाँ सेठ, बोलो ना। ये किधर है गाला? नहीं वो, हाँ, तुषार को लेके जाता हूँ ना मैं। हाँ सेठ, आप बेफिक्र रहिए, आज के आज हो जाएगा। ठीक है। किधर है? किधर है? सेक्टर 3। भाई तू तेरी गाड़ी कभी मत निकाला। ए भाई, ये सब आज के आज नहीं होगा। तू सेठ को कॉल करके बोल दे। और तुझे लगता है मेरी सुनेगा वो? भाई तो देखना है, सब सेटअप करके क्लीनिंग करके हम दोनों से हो जाएगा। साला क्या करने आया था मैं और क्या कर रहा हूं मैं? वैसे मुझे एक बात बता, तू आया डॉक्टर बनने, फिर ये सब क्यों कर रहा है? भाई शिक्षा लेने के लिए भी गांधी लगता है, वो कहाँ बात से भी आएगा है। वो? चल छोड़, वैसे भी आज मुझे जल्दी घर जाना है, जल्दी जल्दी खत्म करते। भाई तेरा हर बार का है ये, जब भी ऐसा कोई मगजमारी का काम होता है तुझे घर जल्दी जाना होता है। साफ कर ले अब। Thank you.
तुषार सुन ना, ये द ओल्ड स्कूल ब्लॉग्स या फिर रोहित साठम, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है ना? हाँ, ये उनका 2014 में कुछ ब्लॉग फेमस हुआ था, क्या नाम था उसका, सिंस 1993। हाँ हाँ वही वही। पर तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा? नथिंग, कुछ नहीं। क्या डाला बैग में? अरे कुछ नहीं, ब्लैंक पेपर्स थे, मुझे रिवीजन के लिए रखते हैं ना, मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा मैं यूज कर लूं। चल गया था तू यार? अरे वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आर्यन का है? कल जूठा पानी पिया था ना तेरा, कहां से आएगा टाइम पे? सरकेजम एनीवेज, वो आने के बाद मीटिंग शुरू करते हैं। डूड अब तो बता, टॉपिक क्या है आज की मीटिंग का? उसे आने दे फिर बताता हूँ। तेरी ये सस्पेंस में रखने की घटिया आदत जाएगी नहीं ना कभी। यार अभी तुझे बताऊंगा, फिर वो आने के बाद उसको अलग से समझाना पड़ेगा, तो दोनों को साथ में समझाता हूँ ना। पर मैं तो पूछ। मैं कम इन सर। अरे भाई आना चुपचाप, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? लगता है काफी गर्म माहौल है यहाँ का। बोलिए क्या टॉपिक है आज का? बोलिए। देखो गाइस, 6 महीने पहले हमने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया था। ऑल ऑफ अस आर डूइंग गुड एंड एथिकल वर्क, बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू दैट हमारे चैनल की रीच बहुत नीचे गिर चुकी है। मतलब ये कि लोगों को हमारे ब्लॉग्स बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, उनका इंटरेस्ट और उनका भरोसा दोनों धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इतना शोर कैसे? All analytics are speaking, dude. पिछले 6 दिनों से मैं एनालिटिक्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, दिन ब दिन रीच नीचे गिरते जा रही है। मतलब रीच ही तो है ना, कम ज्यादा होते रहते हैं। नहीं आर्यन, इट्स सीरियस, इट्स अ क्रॉनिक डाउनफॉल। एग्जैक्टली, और अगर इस डाउनफॉल को अभी रोका नहीं गया ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा रीच नीचे गिर जाएगा और हमारे ब्लॉग्स डेड हो जाएंगे। गाइस, इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास एक तरीका है। क्या? कैन वी शेयर सम फेक स्टफ, मतलब जैसे कुछ यूट्यूबर्स करते हैं क्लिकबेट के लिए वैसे। Are you crazy, आर्यन? अभी ये दिन आ गए क्या हम पे? तो जितने लोग बचे हैं ना उतने भी चले जाएंगे।
We have to change the content now. पर अपना जो जॉनरा है उसको तो पकड़ के चलना पड़ेगा ना. See, we are not changing the genre. अब हम में से content ढूंढ के कौन लाता है? आर्यन लाता है. आर्यन इस बार ऐसा content लाना कि वो content लोगों को उस comfort zone से बाहर निकाल कर सोचने पे मजबूर कर दे. ठीक है फिर, इस बार मैं भी थोड़ा harsh लिखूंगी क्योंकि और कोई option नहीं है. आर्यन इस बार का कंटेंट ऐसा लाना कि अंडरस्टूड. देन लेट्स फोकस और आर्यन मुझे जल्द से जल्द रिवर्ट कर. ओके फाइन, चलो निकलते हम. बोल रोहित, मुझे बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है अभी. या शूट. तुझे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता है क्या? हाँ, क्या हुआ? भाई मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है, पुरुषोत्तम नाम है उसका. बेसिकली वो कोल्हापुर से है लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त वो वहाँ मौजूद था. व्हाट, आर यू श्योर? मतलब ये इंटेल सही है क्या? 100% भाई. बस प्रॉब्लम यह है कि वो कोल्हापुर में किसी उखलू गांव में रहता था और उसका करंट स्टेटस 12 मार्च 1993 के बाद किसी को कुछ नहीं पता. नो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी उसे ढूंढने में. यू डू वन थिंग, जस्ट कॉल सारा और उसको बोल कि वी थ्री आर लीविंग टू कोल्हापुर टुमारो. ओके यार, मैं नहीं आ पाऊंगा यार. वो पापा की तबीयत खराब है थोड़ी. क्या हो गया अंकल को? अरे कुछ नहीं, बुखार हुआ है उनको. तो सिर्फ बुखार ही हुआ ना यार, how could be so unprofessional sometimes, आर्यन? अरे लेकिन उनके पास भी तो रुकना पड़ेगा ना मुझे. आर्यन एक बात बोलूं तुझे, ये बात तुझे पता है पर फिर भी तुझे बोल रहा हूँ कि ना मैंने ना मेरे बाप को ना आज तक देखा नहीं है. ठीक है, रोज मुझे लगता है कि आज उन्हें ढूंढूंगा कल उन्हें ढूंढूंगा, पर एक बात है जो मैंने बचपन में ही सीख ली थी कि अगर तुम्हें प्रोफेशनली ग्रो करना है तो तुम्हें बहुत सी पर्सनल चीजें लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. और एक साधारण बुखार की वजह से अगर तुझे घर रुकना है तो इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस. ओके भाई, आई विल ट्राई टू कम. जस्ट 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 टेल टू सारा. ओके क्या लगता है आएगा वो? He's childish but not unprofessional. आएगा वो? मैं गाड़ी में एक इंस्ट्रूमेंट चेक कर लेता हूँ. सॉरी यार, लेट हो गया. बट इट वॉज वर्थ इट. बैठना नहीं है गाड़ी में? हाँ चलो बैठो ना यार जल्दी.
यार कमर की पूरी वाट लग गए। वही तो यार, कह रही थी 4 घंटे का रास्ता है, कहीं रुक जाते। वो सब का टाइम नहीं है हमारे पास। अब मैं जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो, ओके? अभी फिलहाल हमें भी पता नहीं कि वो आदमी कहाँ है, ठीक है? तो हमारा फर्ज है कि एक एक गांव वालों से हमें उसके बारे में पूछना है, ठीक है? चलो लेट्स गो देन। भाई साहब, आप पुरुषोत्तम जी को जानते हो? वो इसी गांव के थे। कौन हो तुम लोग? जी हमें उनसे कुछ काम था। आप प्लीज़ मत पूछिए कि क्या काम था, क्यों काम था, किस लिए काम था, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वैसे तो पुरुषोत्तम जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे घर वाले उनको अच्छे से जानते थे। मैं बहुत छोटा था इसलिए उनको कभी देखा नहीं। हाँ, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत कुछ है। क्या सुना है आपने? आप हमें बताएंगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी।
मैं सिर्फ उनका वर्णन कर पाऊंगा। वो भी बहुत होगा हमारे लिए। जहां तक मैंने सुना है वो एक नारियल के जैसे इंसान थे। बाहर से एकदम कड़क, बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अंदर से एकदम गऊ आदमी थे। हाँ, और एक बात, वो हमारे गांव के उत्तर के दिशा में जो जंगल है ना, वो उनको बहुत पसंद था। उनके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता था तो वो वहीं जाके बैठते थे। मतलब अब हमें जंगल भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा? मेरी मानो तो अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आज की रात आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना जंगल, क्योंकि रात के वक्त जंगल में जाना खतरों से खाली नहीं होता। हम अभी नहीं जा सकते क्या? आई होप कि कल पुरुषोत्तम मिल जाए यार। आर यू मैड सारा? जिस आदमी के बारे में पूरे गांव को कुछ पता नहीं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, जिंदा है या भी नहीं, और तुम कह रहे हो कि वो मिल जाएगा? थिंक प्रैक्टिकल गाइज। पर वो मिल भी तो सकता है ना। अरे मेरे भाई, हम उस इंसान को ढूंढ रहे जिसे इन गाँव वालों ने 15-20 सालों में देखा ही नहीं, और क्या गारंटी है कि वो मिल जाएगा? उस आदमी ने कहा ना कि कल जंगल में जाके देखो। मिस्टर रोहित साठम जी, मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल वाइज हम सबके लगे पड़े हुए हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सच बेसलेस टॉपिक्स। देख भाई, मेरा तो एक ही कहना है, आखिर तक होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी 100 की सीधी बात, कल तो मैं जंगल जाऊंगा। जिसको आना है वो आए, जिसको ना आना है वो मत आए। तेरा क्या है, आने वाली है कि नहीं? मैंने कब बोला कि वो नहीं मिलेगा? आई एम इन। बता भाई तेरा क्या है? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ तो चलो सो जाओ चुपचाप। चलो सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। सोना ही नहीं है मेरे को। आर यू श्योर रोहित? Let's go.
सर, एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम क्या है? कौन हो तुम लोग? सर, मेरा नाम रोहित साटम है। सर, 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 हाँ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? सर, एक्चुअली हम लोग ब्लॉगर्स हैं और हमें आपसे कुछ काम था। सर, 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 आप ही का नाम पुरुषोत्तम है ना? हाँ, तो क्या काम है? पुरुषोत्तम सर, वी वांट सम हेल्प फ्रॉम यू। ए छोकरी, हिंदी में बात करनी है तो करो, वरना निकलो यहाँ से। ए, सर, हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे कैसी मदद? सर, हमें ऐसा पता चला है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के एकमात्र व्यक्ति है। एक मिनट, मुझे उस विषय पर कोई बात करनी नहीं है, और अगर तुम वो सब पूछने के लिए आए हो तो जा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक बार कहा तो समझ नहीं आता तुम लोगों को। सर, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो आपके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। सर, जल्दी बोलो। सर, हम फिलहाल एक बहुत बड़ी मुसीबत से जा रहे हैं, और अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी थोड़ी बहुत तकलीफ कम हो जाए। प्लीज सर। अबे हिंदी में बोल। कृपा करिए हम पे। अच्छा, जो पूछना है जल्दी पूछो, क्योंकि मुझे आज मेरी मंजिल तक पहुंचना है। कैसी मंजिल? वक्त आने पर सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सारा, माइक निकाल जल्दी। या यू गेट रेडी विद द कैमरा। सर बैठिए। चलो, आर्यन, आर यू रेडी? माइक्स आर रेडी। तो सर बताइए, 12 मार्च 1993 की कहानी। कहानी? कहानी नहीं है वो, 256 लोगों की मौत हुई थी उस दिन। आई एम सॉरी, मुझे ये बताइए कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सब क्यों हुआ, इन सब के पीछे कौन था, ये सब हमको नहीं पता और हमें जानना भी नहीं है। पर ऐसा क्यों? अरे क्या करूंगा मैं जान के वो सब, और अगर जान भी गया तो क्या उखाड़ लूंगा उन सब का। सर ऐसा थोड़ी ना है, अगर एक सामान्य आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे बकवास है ये सब, एक सामान्य आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है तुमको? वो हमेशा मरने के लिए जीता है और हमेशा जीने के लिए ही मरता है। उसको तब तक उस चीज का एहसास नहीं होता जब तक वो चीज उसके साथ हो नहीं जाती। आपका भी कोई अपना था क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट में? उन 256 लोगों में मेरी धर्मपत्नी भी थी, और हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन हम कोल्हापुर से मुंबई आए थे। पर आप वहां गए क्यों थे? हमारे एक साल के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, और वहां के डॉक्टरों ने हमें बोला कि हमें मुंबई के डॉक्टरों से जाकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए हम उसे वहां के डॉक्टरों के भरोसे छोड़कर यहां मुंबई आ गए और ये सब हो गया। सर, हमें भी बहुत बुरा लगा आपके पत्नी के बारे में सुनके, आपने बहुत सहा है। ज्यादा दुख उनको नहीं होता जो चले जाते हैं, दुख उनको होता है जो पीछे छूट जाते हैं। उस एक हादसे से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पर मैं ये सोचता हूं कि उस दिन वहां तो बहुत लोग थे,
उनके घर वालों की जिंदगी कैसी होगी, उनकी जिंदगी होगी क्या? सर पता नहीं, पर मुझे आपके बारे में और जानना है। बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब मुझे जाना होगा। मेरी मंजिल मेरी राह देखती होगी, मुझे जाना होगा। सर हमारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। कुछ सवालों के जवाब मैंने तुम्हें दे दिए हैं और बाकी सवालों के जवाब तुम्हें प्रकृति देगी। वाइंड अप गाइस, लेट्स गो। ये लो। इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन इसे यहां मत खोलना। क्यों? सह नहीं होगा तुम्हें और मुझे भी। क्या दिया उसने? कुछ नहीं। तुम दोनों आगे जाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, पर जल्दी आना। सारा यार, लेट्स होप कि अब ये वाला कंटेंट अब सबको पसंद आना चाहिए। यार टचवुड यार, इतना तो हो गया ना। क्या हुआ? Just show me the clips. अरे बाद में देख लेंगे। अरे just show me the fucking clips. What the fuck? ये सब क्या है? वो आदमी कहाँ गया रोहित? वो आदमी कहाँ गया? इसमें तो कोई नहीं है, ये क्या हो रहा है? कैसा है रे तू? अब तक तो तुझे समझ में आ ही गया होगा ना कि मैं अब इस दुनिया में ही नहीं हूं। हाँ, मैं भी उन्हीं में से हूं जो 1993 के हादसों में मारे गए थे। भला ऐसे हादसों में कौन बचता है? और जो बच भी जाते हैं वो सिर्फ शरीर से ही जिंदा रहते हैं। ये चिट्ठी मैंने क्यों लिखी, किस लिए लिखी और सिर्फ तुम्हें ही क्यों दी? अब ये सवाल तुम्हारे दिल और दिमाग पर दस्तक दे रहे होंगे। शायद तुमने मेरा पूरा नाम सुना ही नहीं। मैं वही हूं जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। मैं वही हूं जिसे तुम्हारी हर एक धड़कन पुकार रही है। और मैं वही हूं जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। मेरा पूरा नाम पुरुषोत्तम साठम है। तुम्हें मुझसे मिलने की जितनी इच्छा थी ना बेटा, उससे ज्यादा जल्दी मुझे थी तुमसे मिलने की। पर क्या करे, हादसे कोई बताकर तो आते नहीं। इच्छा तो मेरी भी बहुत थी कि तुझे कंधे पर खिलाऊं, तेरी हर जिद पूरी करूं, तुझे हर बुरी चीज से दूर रखूं। पर मुझे माफ कर देना बेटा, क्योंकि मैं तुझे ये सब नहीं दे पाया। मुझे तो ये भी पता है कि तू रोज सोचता है कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझसे कैसे प्यार करते, मुझ पर कैसे गुस्सा होते।
अब ये सब सोचना बंद कर दे, क्योंकि ये सब सोचते वक्त तेरी आंखों से निकले आंसू मैं ऊपर से पहुंच नहीं पाऊंगा। और हां, गाड़ी बहुत तेज चलाते हो तुम, थोड़ा आराम से चलाया करो, क्योंकि मैं यहां से तुझे डांट नहीं सकता। उदास मत हो मेरे बेटे, हम जल्द ही मिलेंगे इस दुनिया के पार, उस दुनिया में जहां तकरार नहीं सिर्फ प्यार है, जहां पर तुम, मैं और तुम्हारी माँ होगी, और होगा हमारा अपना घर। खेलने के लिए खिलौने होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, माँ जैसा प्यार भरा स्वर्ग होगा। बस सिर्फ एक चीज मांगता हूं तुझसे, रोज रात को घर की छत पर आकर इस तारों भरे खुले आसमान को देखकर मुस्कुरा दिया करना, क्योंकि तेरी एक मुस्कुराहट से मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुझे तेरी तकलीफों से लड़ने की हिम्मत भी मिलेगी, और तू फिर जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने लगेगा। और वैसे भी किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, पर हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ता समझ आता है तब लौटने का वक्त हो जाता है।